सभी बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19,000-20,000 स्थानों पर ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे लेकिन इस बार मेरे माता ने जो लोग इन चित्रों और फोटो लेके आए हैं नीचे बढ़ने पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पीछे लोग ले नहीं पाते, मैंने ले लिया मुझे दिखाने में सबको परेशान कर दो नीचे कहो तो मैंने ले लिया है। आपके हाथ में जो पोस्टर है, जो चित्र है, जो कानपुर चीजें ले जाए सब देख लिया है। हम मेरी आपसे प्रार्थना आए हैं हमारे सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है। माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य रहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर देखा जाए तो इस लाइन को साकार करके दिखाया है। जो कहा जाता है कि यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ये माना जाता है। और मैं तो इस युग की नारी हूँ तो मैं तो बस ये करके शुरुआत करती हूँ, लिखती चलो नारियाँ नित नई कहानियाँ, लिखती चलो नारियाँ नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुर्म की कहानियाँ, जुर्म की हमारे देश में महिलाओं का जो जीवन स्तर अभी सुधार हुआ है, मैं जानती हूँ हम लोग की उम्र लगभग 40 हो गई है, मैंने आज 40 से ऊपर हो गई 43, और हमने भी अब जब हम समझदार हुए, जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे कॉलेज किए तो पता लगता था कि महिलाओं का वो सम्मान नहीं है जो महिलाओं को मिलना चाहिए, न महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं थी। जैसे जैसे मैंने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में और उस वक्त हमारे सरकार में हमारी सांसद जो पिछली सांसद रेणुका सिंह जी महिला बाल विकास मंत्री बनी थी, उसी समय स्वयं सहायता समूह का गठन आरंभ हुआ था छत्तीसगढ़। ये सच्चाई है, पहली बार भाजपा ने महिलाओं की चिंता की, स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रारंभ हुआ और मैं खुद समूह में रही हूँ और समूह की महत्ता को मैं जानती हूँ। यहाँ समूह के डहरिया जी हैं, ये खुद जानते हैं कि मैं इनके से समूह का पंजीयन करवाया था, बमलेश्वरी माँ स्वयं सहायता समूह मेरा था और समूह के माध्यम से महिलाओं को जुड़ने का काम करने का एक अच्छा सा अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारी बहनें बताई लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि समूह के माध्यम से महिलाएं बहुत सारे काम कर रही हैं, कोई अचार बनाकर बेच रहा है, कोई पापड़ समूह के महिलाएं बना रही हैं, महिलाएं गाड़ियां खरीदी जैसे ट्रैक्टर खरीदी दीदी हमारी, और अभी जो हमारे बहुत सारी महिलाएं जो हैं तरह तरह के काम कर रही हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर रही है। आपको पता है अगर हम किसी से उधारी मांग लेगा, आप 10,000 उधारी मांग के देखिए, 5,000 मांगिए कोई नहीं देगा, इसीलिए आपके समस्याओं को देखते हुए सरकार की योजना जिसमें आपको सरकार पैसे देती है, आप अपना आवेदन करती हैं तो आपको राशि मिलती है, 15,000 से शुरुआत होती है, 60,000, 1,00,000, 3,00,000 ऐसे करके पैसे मिलते हैं समूह को। अगर हम समूह को सही दिशा में ले जाएं
तो हम अपने साथ साथ अपनी 10 बहनों का भी जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठा सकते हैं। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को संबोधित किया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर जिस तरह से नारियों के गर्भ में बेटियों की हत्याएं हो रही, किसी भी जगह जाते पेट में क्या है, बेटी है, मर्डर हो जाता था, होता था। लेकिन अभी इस जो अपराधी से जो लोगों की सोच है, इसके नियंत्रण हुआ है। आज आप कहीं पर भी जाकर के आसानी से इस काम को नहीं करा सकते, इसलिए हमारी बेटियों की सुरक्षा हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया। हमारे मुस्लिम बहनों का, जो बहनें हमारे 3 तलाक से प्रताड़ित रहती थी, एक बार मैं बस से जा रही थी, एक महिला बहन मेरी मुस्लिम समाज मेरे से कहने लगी कि सपुंता जी मेरी पति ने 3 शादियां की और मेरे बच्चे हैं, मैं कहां जाऊं, मैं भटक रही हूं। इस समस्या का दर्द हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया और उन्होंने हमारी एक महिला ने याचिका लगाई थी, बहन सायरा पानो, इन्होंने एक याचिका लगाया था कि ये जो तलाक वाला जो है इसमें सुधार होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। उस पर सुनवाई भी हुआ और मोदी जी ने भी सहयोग किया। नहीं तो मुस्लिम समाज में शादी के बाद अगर तलाक तलाक बोले तो शादी टूट जाती, कि उसकी चिंता उसका दर्द महसूस किया प्रधानमंत्री जी ने। अब तलाक तलाक कोई कह नहीं सकता और हमारी बेटियों का हमारी बहनों का जीवन सुरक्षित होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमारे मोदी जी ने क्या सपुतला बोल दे, आपके बीच में विधायक बन गया है बॉर्डर नगर जनपद से, मेरे कर्मचारियों से मेरा परिचय, क्योंकि यही आया करते थे। और हमारे मोदी जी ने साधारण सी सरपंच को उठा करके विधानसभा का टिकट मिलना, ये एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण ही हो सकता है जो भाजपा में संभव हुआ। आप भी आगे बढ़ सकती हैं, आप भी आगे आ सकती हैं। शकुंतला का कोई पद जो है ना यथावत नहीं है, तो हर किसी को इसमें प्रयास करना चाहिए, अपने काम अच्छे रखने चाहिए। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। और बहुत लोग तो कहते थे कि ये महिला क्या जीतेगी चुनाव, महिला को दे दिए टिकट, इस तरह की बातें आती थी। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, हमने अपने बात को जाकर के जनता के बीच में रखा कि आप एक बार मौका दीजिए। हमारे जो घोषणा पत्र था उसमें हमारी माताओं बहनों के लिए योजना बनी, आज तक कोई सरकार बहनों को 1 रुपए नहीं दिया होगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मोदी गारंटी की योजना में आपके खाते में 1,000 रुपए देने की घोषणा और उसको तत्काल पूरा करने का प्रयास चल रहा है। जल्द ही हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपए आएगा, आप उनको 1,000 रुपए। हमारी सरकार संकल्पित, हमारी सरकार गरीबों के, किसानों के, बेटियों के, बहनों के हित में निरंतर से कर रही है। और आप सभी से मिलकर सरकार की योजनाओं को बताने का अवसर मिला है। और आज इस मंच से मैं अपने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज अगर शकुंतला बोलते विधायक बनी है तो इसमें सबसे अहम मैडम जी, अभी लोकसभा चुनाव है और सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव है, आपको पीछे दीजिए ना, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्रताप विधानसभा के विधायक जिताने के लिए क्या रहेगा आपका योगदान? और कैसे आपको
हाँ मैडम जी, अभी लोकसभा चुनाव है और चिंता मणि महाराज जो चुनाव लड़ाने नहीं है आपको किसी किसी व्यक्ति तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप विधायक जिताने के लिए क्या रहेगा आपका योगदान? मैं कुछ कीजिए ना, मैं कुछ कर दीजिए जो भी हमारे ऐतिहासिक